अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी, आज की जो मेरी शेयरिंग है वो है मौसम मौसम और बारिशें। और जी यहाँ तो कुछ सीन और है। यहाँ तो जी बहुत ज्यादा जमीन देखें वाइट हुई हुई है और ओले पड़े हुए हैं। तो जी ये देखिए आप, खूबसूरत खूबसूरत बहुत लगता है। लेकिन अच्छा, ये जो पहाड़ी इलाके में बारिशें होती है ना, ये तो बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि वहां तो पानी चाहिए होता है दरख्तों को। ये तो कुदरत का एक निजाम है। अच्छा, वहाँ बारिशें उनकी रूटीन लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। उनका एक बंदोबस्त होता है, उन्होंने अपनी बरसातियाँ, अपनी अम्ब्रेला और हर चीज अपने रूटीन पे चल रही होती है। सब ड्यूटीज पे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी काफी साल रह के आई हूँ इस्लामाबाद। पिंडी में मेरी पोस्टिंग थी तो हम भी बड़ा एंजॉय किया करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, जब बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होती थी ना, तो खौफ जरूर आता है कि जब बहुत बादल गरजते हैं और बिजलियां चमकती हैं, क्योंकि देखें जी ये कुदरती चीजें हैं, इनसे ना एंजॉयमेंट तो जो है वो अपनी जगह, लेकिन खुदा से रहम जरूर मांगना चाहिए। परवरदिगार से करम और रहम की जो है ना, हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए कि खुदाया बारिश जो है बाइस से रहमत ही हो, बाइस से रहमत हो, बाइस से बरकत हो। तो हसीन तो बहुत लगता है ऐसा मौसम, बहुत मजा आता है। अच्छा, अक्सर ना लोग कहते हैं आप डरते क्यों हैं इस मौसम से, इस मौसम में डरा नहीं करें, एंजॉय किया करें। एंजॉय तो करना ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन डरना सिर्फ खुदा के, खुदा से इसलिए हम इस मौसम के, देखिए कुदरती आफात आते हुए कोई पता नहीं चलता है, किसी इंसान के वहमो गुमान में नहीं होता है कि अगले लम्हे में क्या हो सकता है, इसलिए डर लगता है। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है डरने की, बाकी खुदा से डरना तो चाहिए ना। नेचर, नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। तो कुदरत जो है ना वो फिर अपने रहमो करम की निगाह में हमें रखे। परवरदिगार सब पर करम करे और खूबसूरत मौसम को देखें भी, एंजॉय भी करें, और लेकिन खुदा को जरूर याद रखना चाहिए। मैं तो बहुत दुआएं मांगती हूँ इस मौसम में ना, एंजॉय भी करती हूँ, लेकिन दुआएं दुआएं तो ऊंचा ऊंचा भी दुआएं मांग रही होती हूँ। मेरे तो घर वाले मेरा मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी छोटी बहन भी ऐसी ही है और बाकी भी ऐसे ही है सब। मेरी ना, मेरे बहन भाई, मेरे भतीजे और ये सारी फैमिली जो है ना अम्मी की साइड की, मेरे सब ये लोग कहीं घूमने गए, अब पता नहीं कौन सी जगह थी, मालन जापा की तरफ थी, कोई मुझे पता नहीं है। तो भाई वहां तो इतनी तूफानी बारिश हो गई, इतना खौफ कि रो रहे थे छोटे बच्चे, दुआएं मांग रहे थे। तो ये बहुत जरूरी होता है खुदा से रहम मांगना। तो ये जो बारिश है, ये हम हमारे सफर की बारिश है, और हम लोग अम्मी की तरफ से वापसी आ रहे थे, ये लास्ट वीक की बात है। और सिंध की जो बारिशें हैं ना, सिंध की बारिशें काफी खतरनाक होती हैं। सिंध में ये होता है कि चूंकि पहले यहाँ पे इतनी कोई इंतजाम नहीं होते हैं, कोई मतलब एक तो मैदानी इलाका, अब पहाड़ी इलाकों में तो ये होता है बारिश हुई तो जी पानी कहाँ गया, कोई पानी नहीं रुकता। लेकिन यहाँ पे मैदानी इलाकों में ये है कि बारिश होती है तो बड़े नुकसान हो जाते हैं, इसलिए भी हमें खुदा से रहम मांगना चाहिए। तो इस बारिश में तो वैसे भी ना बड़ा ही नुकसान हुआ है किसानों का, तूफानी बारिश है, क्या बनेगा किसान का। और कच्चे घर जो हैं वो तो बारिशों में आपको पता है कि उनका नुकसान जो बहुत ज्यादा होता है, बहुत लोग जो हैं वो मर जाते हैं, घर गिर जाते हैं और फसलों का नुकसान हो जाता है। गुर्बत पहले इतनी, और इस महंगाई के जमाने में जब फसलें खराब हो जाएंगी तो आप सोचें कि फिर तो और ज्यादा हालात खराब हो गए। तो ये जो है ना सारी चीजें फिर आपको अल्लाह ही अल्लाह करना पड़ता है। तो सिंध की बारिशें जो हैं वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। बहरहाल खूबसूरती देखें, ब्यूटी देखें, चारों तरफ दरख्त इतने हसीन लग रहे हैं। और हम भी दुआ करते हुए जा रहे थे कि खुदाया तेज बारिश ना हो, क्योंकि तेज बारिश में ना ट्रेवल करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक दफा तो
इस्लामाबाद से हम लोग आ रहे थे, इधर सिंध आ रहे थे, इतनी बारिश, कुछ नजर नहीं आ रहा था। सब अपनी अपनी गाड़ियां, एक तो मतलब अंदाजे पे चला रहे थे, सोचें आप। और इतना खौफ था, इतनी दुआएं मांग रहे थे। मैं तो हस्बैंड से कह रही थी कि आप ना गाड़ी साइड पे कहीं रोक लें, तो वो कहने लगे भाई कितनी देर तक रोक के रखेंगे, और लैंडस्लाइडिंग का अलग खतरा होता है। तो जी ये तो हो गई खौफनाक बातें बारिशों की। तो मेरी दुआ है कि परवरदिगार सब पर करम करे और बारिश के बुरे असरात से बचाए, मुश्किलात और परेशानियां हमारी जो हैं वो दूर करे, और सब बहन भाइयों पर रहम करे, और अपने हफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी पनाहों में रखे। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और अपनी दुआओं में सबको याद रखना है। आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे और मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। खुश रहें, आबाद रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।